हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सूजी की हेल्दी और स्वादिष्ट बर्फी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए हम देख लेते हैं सूजी की हेल्दी और स्वादिष्ट बर्फी बनाने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए। यहाँ पर हमने 1 कटोरी सूजी ली है, 1 कटोरी चीनी। जब भी आप सूजी की बर्फी बनाएं तो सूजी और चीनी की दोनों की मात्रा बराबर लें। थोड़े से मखाने, थोड़े से छुआरे, थोड़े से मुनक्के, थोड़ी सी मूंगफली और थोड़े से बादाम। तो चलिए अब हम सूजी की बर्फी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अब हम सूजी को भूंजेंगे। उसके लिए हम कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। अब इसमें हम सूजी डालेंगे और इसको थोड़ी देर भूंजेंगे। इसको हमें तब तक भूंजना है जब तक कि यह हल्का लाल नहीं हो जाता। ये देखिए, अब सूजी हमारी हल्की हल्की लाल हो रही है, लेकिन थोड़ा सा अभी हमें और करना है। ऐसे ही चलाते हुए हमें भूंजना है। सूजी हमारी भून चुकी है, ये देखिए हल्का लाल हो गई है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। चीनी डालेंगे और ऐसे ही चलाते रहेंगे। अब इसमें हम सारे मेवे मखाने सब डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले मूंगफली, बादाम, छुआरा, मुनक्का और मखाने। अब इसको ऐसे ही चलाते हुए हम पकाएंगे। प्रेजेंट टाइम में आपके पास जो भी सूखे मेवे हों उसी का उपयोग करके आप सूजी बर्फी बना सकते हैं। अब हम एक थाली में देसी घी लगा लेते हैं, ऐसे हल्के हाथ से पूरा लगा देंगे ताकि हमारी बर्फी चिपके ना। ये देखिए, ऐसे ही चलाते रहेंगे, धीरे धीरे ये गाढ़ा हो जाएगा। अब हम गैस को मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और ऐसे ही धीरे धीरे चलाते रहेंगे। इसमें हमने लगभग 1 गिलास पानी डाला था। ये देखिए, अब ये हमारा बस पकने वाला है, टाइट हो चुका है। ये हमारा पक चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब इसको हम जिस थाली में हमने घी लगाया था उसी थाली में हम फैला लेंगे बराबर। ये देखिए, इसको हमने फैला लिया है। अब ये थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद इसको हम काटेंगे। अब ये हमारा ठंडा हो चुका है, अब इसको हम काट लेते हैं। ये देखिए, बर्फी हमने काट लिया है। अब इसको हम निकालेंगे और अलग प्लेट में रखेंगे। धीरे से हल्के हाथ से निकालेंगे ताकि टूटे ना। ये सूजी की बर्फी आप छोटे बच्चों को खिला सकते हैं। ये आपकी हेल्दी और स्वादिष्ट बर्फी है। तो ये देखिए, सूजी की हेल्दी और स्वादिष्ट बर्फी बनकर तैयार है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।